हेलो गाइस, थिंक एंड डिजाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आज हम लोग सीखेंगे राउंडेड स्पाइरल शेप किस तरह से बनाए जाते हैं इलस्ट्रेटर पे स्टेप बाय स्टेप। इस ट्यूटोरियल को पूरा देखने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, फिल कलर मेरा ऑफ रहेगा एंड स्ट्रोक मेरा ऑन रहेगा। स्ट्रोक में मैंने येलो कलर लिया है, आपको जो मन कलर आप ले सकते हो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है इसलिए मैं येलो ली हूँ। आप चाहो वाइट भी ले सकते हो, लेकिन ब्लैक मत लीजिएगा क्योंकि ब्लैक में करोगे तो दोनों कलर छिप जाएंगे। और स्ट्रोक को मैंने 2 रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टूल बार से आर्क टूल लूंगी, इस तरह से मैं आर्क टूल बना लूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद शेप टूल एलिप्स टूल लूंगी, शेप टूल से मैं एलिप्स टूल लूंगी एंड इसको मैं एक सर्कल बना लूंगी शिफ्ट प्रेस करके एंड इसको मैं फिल कलर कर दूंगी और मैं इसको इस आर्क के पॉइंट पे पूरा पॉइंट पे मिडिल पॉइंट पे रखूंगी एंड मैं इस एक एलिप्स टूल को मैं कॉपी कर लूंगी एंड इसको मैं नीचे वाले पॉइंट पे रखूंगी और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूंगी। मैं दोनों सर्कल को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट में जाऊंगी एंड यहाँ पे मैं ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप में क्लिक करूंगी एंड देन इसका पॉइंट मैं 10 रखूंगी और देन मैं ओके करूंगी। फिर मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी, ब्लेंड पे क्लिक करूंगी एंड देन मैं मेक करूंगी। ये देखिए मेक हो गया। अब मैं पूरा सिलेक्ट करूंगी पूरा ऑब्जेक्ट को एंड देन अगेन मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी, ब्लेंड ऑप्शन पे जाऊंगी एंड देन रिप्लेस स्पाइन करूंगी। अब मैं ऑब्जेक्ट में आऊंगी एंड यहाँ पे मैं एक्सपैंड कर दूंगी और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहेगा मेरा ब्लू टिक रहेगा एंड देन ओके कर दूंगी। सी, अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रोक में जाके मैं इसको मैं वाइट कलर दे दूंगी और स्ट्रोक में बढ़ा के 5 कर दूंगी। रोटेट टूल में आऊंगी एंड देन यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे पूरा पाथ पे रखूंगी एंड ऑल्ट प्रेस कर दूंगी और ऑल्ट प्रेस करने से मेरा रोटेट टूल का बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पे मैं 360 डिग्री स्लैश 30 क्लिक रखूंगी एंड देन कॉपी कर लूंगी एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसको रोटेट कर लूंगी। पूरा मैं सिलेक्ट करूंगी, थोड़ा सा छोटा कर लूंगी शिफ्ट प्रेस करके एंड देन इसमें मिडिल में ला के रखूंगी एंड देन अगेन मैं एक सर्कल बना लूंगी शिफ्ट प्रेस करके और इसको मैं पूरा मिडिल पार्ट पे रखूंगी। ये मेरा बन गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।